आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस नहीं दिया गया, मगर जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है, प्रिपेयर करना है। दो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन से निकालना है। दो लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चंस है, तो ये 6 क्वेश्चंस को चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, अभी ये सेकेंड क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो गाइज चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम जैसा ड्रॉ कर लेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं व्हाट इज सप्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंटरी एंगल्स वो एंगल्स है, दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, दोनों मिलके 180 डिग्री जब होगा उसको, वही एंगल को हम लोग सप्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स हैविंग 180 डिग्री, व्हेन वी आर टू एंगल्स इट शुड बी 180 डिग्री। व्हेन वी आर टू एंगल्स It should be 180 degree. इसको सप्लीमेंटरी एंगल बोलते हैं। तो सप्लीमेंटरी एंगल क्या है, अगर हम लोग दो एंगल को ऐड करेंगे, दोनों मिला के जब 180 डिग्री होगा उसको हम लोग सप्लीमेंटरी एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं अगर एक ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करूं और इसमें एक एंगल ड्रॉ कर लूं, यहां पर मानो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो लेट दिस एंगल बी एक्स एंड दिस एंगल बी वाई। ये दोनों एंगल को मिला के हम लोगों का 180 डिग्री है। हमें पता नहीं है एंगल क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो लेट द, हम लोग क्या करेंगे, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और हमें पता है सप्लीमेंटरी एंगल किसको बोलते हैं, तो उसी से एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये सप्लीमेंटरी एंगल्स के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या होगा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मानो ये लार्जर है, अगर डायग्राम भी आप देखेंगे ये एक्स जो है ये लार्जर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंटरी एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया। अभी आप हम लोग स्टेप वाइज प्रोसीड करके एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एंगल्स। तो स्टेप वन में हम लोग ये दोनों से किसी भी इक्वेशन को उठा लेंगे। तो मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 से शुरू करता हूँ। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 से शुरू करते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन नंबर 1 से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहां से कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। तो हमें अभी x का कुछ वैल्यू मिला है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, मगर x का वैल्यू क्या मिला, 18 प्लस वाई है। तो स्टेप टू में अभी मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन 3 में हमें x का वैल्यू जो मिला वो लेके हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे।
इक्वेशन वन क्या है यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इंस्टेड ऑफ x मैं अभी यहां पे डालूंगा 18 प्लस वाई। ये 18 प्लस वाई कहां से मिला, ये स्टेप से, इक्वेशन नंबर थ्री से। 18 प्लस वाई प्लस वाई, ये 18 प्लस वाई इसका वैल्यू x है, तो इसलिए मैं इसको 18 प्लस वाई लिख लिया। तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और 18 प्लस 2y, 18 प्लस वाई प्लस वाई ये हो गया 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ये कैसे हो गया, ये जो लेफ्ट साइड पे 18 था मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, और y इज इक्वल टू 162, और y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, 162 बाय 2। यहां पे 2 मल्टीप्लाई होके था y के साथ, जब मैं इसको राइट साइड मूव कर दिया ये डिवाइड हो गया 162 के साथ, और y इज इक्वल टू 81। तो हमें मिल गया y का वैल्यू, मिल गया 81 बोल के मिल गया। अभी ये y का वैल्यू लेके हम लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर थ्री पे, इक्वेशन नंबर थ्री पे। गाइस बहुत इजी है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बोल के टाइम ले रहा है, मगर आप लोग आराम से जल्दी कर सकते हैं। अभी इसको मैं स्टेप नंबर थ्री लिखता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। ये कौन सा वैल्यू है, यहां पर जो वाई का वैल्यू मिला, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री, इन इक्वेशन थ्री। हमें इक्वेशन थ्री में क्या मिला था, एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई मिला था, और मैं लिख सकता हूं उसको अभी, एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 81। 81 कहां पर है, ये जो यहां पे जो 81 मिला है वाई के जगह पे मैं डाल देता हूं, और एक्स इज इक्वल टू 99। ये हमें यहां पर एक्स का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग कंक्लूडिंग स्टेप लिखेंगे, कंक्लूडिंग आंसर लिखेंगे स्टेप फोर, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन पूछा था कि ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं अभी कंक्लूडिंग आंसर यहां पे लिख लूंगा, देयरफॉर द टू एंगल्स आर, एंगल्स आर 99 एंड 81। अगर आप लोग ऐसे भी देखेंगे ये दोनों एंगल को, तो हम लोगों का क्या था, सप्लीमेंटरी एंगल क्वेश्चन पूछ रहा था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है सप्लीमेंटरी एंगल इज दैट एंगल, जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं, व्हेन वी ऐड दोस टू एंगल्स वी गेट 180 डिग्री, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 99 प्लस 81 को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों मिलाएंगे, तो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 8 17 18, ये मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जो निकाले हैं आंसर, ये बिल्कुल सही है, ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।